इंजेक्शन लग गया है, इंजेक्शन का ये हाल हुआ कि आधा इंजेक्शन लगा और आधा बाहर निकल गया। इसको बहुत गाढ़ी दवा थी, सुई बदलती गाढ़ी थी। सोचो इतने मोटे इंजेक्शन से जब भरने में दिक्कत हो रहा था पतले से, कैसे हम कह रहे थे कैसे लगेगा। वही गलती कर दी, गलती हो गई तो उसी के साथ मीडियम मिली थी तो मेरे ख्याल से वही यूज करनी चाहिए थी, हमने गलती कर दी। और वो जो हमने पतली वाली सुई लगाई वो प्रेशर के बाद में थोड़ी सी बाहर निकल आई, इतना अंदर नहीं गया था ना। मोटी वाली बिल्कुल अंदर जाती, मसल्स में तब जाता अंदर, लेकिन दर्द हुआ बहुत वो लग गया है। तो पिंपल पिंपल सेफ आई, पिंपल बहुत दिन बाद दिखी है मुझे भी, उस दिन के बाद से आज मिली है। तो बस पिंपल आज हमारे मेहंदी लगा रही है। आज बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका ना जुकाम हो गया है, इसीलिए बेचारा बहुत परेशान हो गया। बाबू की भाभी नहीं देगी, बाबू को भी देंगे, वो भी खिला रही है। और मुझे ज्यादा लगवानी नहीं है, सिर्फ इतनी मेहंदी लगवानी है आपके बोलते, इससे ज्यादा मेरे से क्यों बैठा भी नहीं जा रहा है। सही बताए इतने इतना हाथ लगवाने के लिए आपको कम से कम 2-2.5 घंटे बैठना पड़ेगा ना। मेरे इतने पतले हाथ है ना डिंपल, मेरे को अच्छी भी नहीं लगती है। डिजाइन बनाने वाला बेचारा रो देता है, क्या डिजाइन बनाए हमारे हाथ पे, तो क्या चेहरे पे लगवा दें, पेट पे लगवा दें, उसके लिए हाथ तो मोटे मोटे करो तब तो अच्छी भी लगे मेहंदी। लो मेरे हाथ ले लो, क्या करिया हाथ पे मेहंदी दिखेगी भी नहीं तुमसे, तो करिया नहीं है तुम्हें पता नहीं। तुम डार्क ब्राउन, गन्नू ने हम लोगों का कलर डिसाइड कर रखा है, ये डार्क ब्राउन है और ये ब्राउन है, हम लाइट ब्राउन है। कन्नू को हमारे ब्राउन कलर ही पसंद है, क्यों कन्नू? आपको ब्राउन कलर अच्छा लगता है ना? कन्नू को ब्राउन बहुत अच्छा। हेरम छोटा भाई या बहन कैसा चाहिए तुमको? दो दो। कैसा चाहिए, किस कलर का? दो दो। किस कलर का चाहिए? दोनों चाहिए। अच्छी बात है, इसको अपना कलर बहुत पसंद है, उसको सांवला कलर ज्यादा अच्छा लगता है। बच्चे भी अगर फोटोज दिखाओ या कुछ करो, इसको गोरे बच्चे नहीं पसंद आते, इसको सामने बच्चे अच्छे लगते हैं, कहते यार बहुत सही है। कम से कम तन को कोई इसका मजाक तो नहीं बनाएगा मेरे गन्ने का, ऐसे गन्ना तो मेरा साफ है। टीचर्स में तो भाई पूछो नहीं, बाप पे गया, गोरे चंदाए है ना अपने, बाप पे गया बाप, वो गोरे चंदाए है ना, वो बड़ा होगा वो गोरा हो जाएगा। इतनी प्यारी मेहंदी लग रही है, अच्छी है ना, बड़ी जल्दी जल्दी लगाती है यार। और क्या से वो जल्दी नहीं लगाते, लगाई नहीं पाते, मतलब लगा मतलब क्या क्या चीजों में प्रैक्टिस करी, मेकअप आर्टिस्ट है ही, उसमें मेहंदी में भी प्रैक्टिस करी। बस मेरी मेहंदी लग जाए खुटा। लाएंगे तो बहुत है इनके पास, बस डालें कौन से। हम पंडित जी तो कहते थे बड़ा मत रखना, अरे तो पूजा तो करेंगे, पूजा भी नहीं करना होता है। पंडित जी हमारे कहते ऐसे बिना व्रत करना है ना पूजा करना है। अरे फिर चक्कर वक्कर, अभी खाना दोपहर में लेट हो जाता है, चक्कर खा गिर जाती है। ठीक है पूजा कर लेना। देखा जाएगा अभी से क्यों नहीं।
सुबह उठ खा लेती जब तक क्या खाओगे बर्फी रखी बर्फी बंद हो गया ना इसको रखो चार लोग रहते हैं ना तो पता नहीं चलता नहीं हमने बंद किया ये केमिकल में होती है ना पानी में नहीं होती ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे कंपनी का ना ऑरेंज वाला हाँ कब तक काला हो जाएगा ये हम अभी लगाएंगे ना चलिए चल ये ना फिर तो खुद हो जाए वो हमको दीदी बोलती है ठीक है वो मौसी है लेकिन हमको दीदी बोलती है इनको जीजा बोलती है पूरे रिश्ते वो सब घुमा के रखी है ठीक है प्रॉफिट कहीं तो प्यारी से बोलती है अपने नाना से भी पापा से भी और सबसे तो बस मामी अभी खाना खा बनाने की तैयारी कर रही है मेरी ये देखो मेहंदी कितनी अच्छे से लग गई है कौन बहुत खराब थी यार ये वाली सच्ची में बिल्कुल की मतलब बहुत मोटी चल रही है ठीक है मोटी तो अच्छे चढ़ेगी मेहंदी यार लगाई थी प्यार से है ना मेरे लिए बहुत है कल यहीं पे ही आएंगे ऑब्वियसली पूजा वगैरह जो भी करेंगे कल यहीं पे ही आएंगे कल तैयार होंगे और बाबू मेरा बाहर टहल रहा है क्योंकि मामा आ गए हैं बस यहाँ ये चीज की दिक्कत है यहाँ पे बल्ब जलता है ना इसके चक्कर में बहुत कीड़े आ रहे हैं मेरा लड़का कहाँ गया नीचे पहले हाँ ये पहले ही मुझे लग रहा है मेरा दरवाजा मत खोलना मारेंगे अभी ओपन नहीं किया ना हाँ ठीक है हेलो चुन्नू जा रहे हैं बुआ जा रही है कल आएगी ओके खुश लो खूब भले भले तो हो गए और बड़ी हो जाओ खूब बढ़िया से काम धंधा करो यार सब लोग खूब ये देखो चुन्नू जा रहे हैं हमारे नीचे आशीर्वाद देते हैं दूध नहाओ पुत्तो खोलो तो है ही एक और बढ़िया साल है बस और क्या परिवार पूरा हो जाए बढ़िया से आशीर्वाद देना नहीं यहाँ रेलिंग लग रही थी हमने कहा चार साल के लिए रेलिंग काम आएगी तो मामी कहती तब तक दूसरा आ जाएगा छह सात साल रेलिंग ये बात तो सही है क्योंकि अब बाबू बड़ा हो जाएगा ना तो ये बस एक वहाँ लगेगा फिर ऐसे ऐसे पतला इधर दरवाजा बन जाएगा हाँ बस इधर दरवाजा लग जाएगा और जो गेट लगेगा वो ऐसे अंदर को खुलेगा हमारी तरह से अंदर की तरफ खुलेगा हमेशा खुला रहेगा कोई दिक्कत ही नहीं आओ जाओ वरना बंद कर दो लगा दो
इसीलिए हमने गेट लगवा दिया था उसी टाइम पे, क्योंकि कन्नूस तब 2 साल का था मुश्किल से। वो उतना लग भी जाएगा ना तो बड़े लोगों की सेफ्टी हो जाएगी, कभी झटके में चक्कर। जरूरी भी है, अच्छा भी लगेगा, गेट लग जाएगा तो बढ़िया है। और डिम्पल तुम कब आओगी मेरे घर? अभी रुकेगी तो बैठा है, चलो कल चली जाओगी तुम? क्यों, रात में? अच्छा रात में आ जाओगी, चलो अच्छी बात है। डिम्पल ने तो अभी बैठा है, चलो रात में कौन सा काम। यार वो बेचारी आती है अपनी मौसी के लिए बैठाने तो मेरा बहुत मन करता है, लेकिन अब उन दोनों का प्यार देख के फिर मैं डिम्पल को छोड़ देती हूँ, पता है? मन तो मेरा बहुत करता है कि चलो डिम्पल को ले चले हम, तो इधर से मामी कहेंगी हमारी बिटिया आती तो ये लेके चली जाती है, वो नहीं आती है, वो आती है, उसको लेके चली जाती। क्या वायदा हम गाली सुने। चलो सबको फोन कर दीजिए, अब ये वाला ब्लॉग में एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेहंदी हमारी लग चुकी है, फोन देखो मेरा आज भी नहीं आया है, यही होता है, ये इंसान मेरे को रोज गोली देता है। और कल अगर तुम मुझे फोन नहीं दिलाए तो सही मिलेगा आपको। भाभी कुछ नहीं दिलाएंगे, बहुत चालू आदमी आपको क्या कर रहे हैं, अपने पति को जानती है ना? हाँ जानते हैं, जाए उनका ये जानो, मेरे भाई से दो बात आ गए ये आदमी। चलो बाय 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 बाय।